जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माउड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माउड़ी ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 11:30 बजे तो मैं आई हूँ फिर से आज डेंटिस्ट के पास, और सुबह जल्दी जल्दी घर का काम करा, घर पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से यहीं से बात कर लेती हूँ। पार्क में आ रही हूँ फिर से आज। ये रहा पार्क, ये है ओपन जिम की मशीनें लगी हुई इधर, और इस पार्क से मैंने एक बार पहले ही वीडियो बनाई हुई है, तो उस दिन मैंने उधर से शुरू करी थी, आज मैं यहीं पर बैठ गई। यहाँ पर हवा चल रही अच्छी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ भी हैं। वैसे भी अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा मौसम, बादल हो रहे, कभी धूप आ रही है, कभी थोड़ा सा हवा चल रही है। तो ये वाला पार्क में तो धूप बहुत कम है, मतलब किनारे किनारे पर है, बीच में नहीं है। बीच में क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, और मशीनें लगी हुई हैं सारे। देखो उस तरफ वो लगी, इतनी सारी मशीनें ओपन जिम वाली, और इस तरफ भी लगी हैं, तो यहाँ पर धूप नहीं है, पूरा ग्राउंड जो है प्लेन है इस तरह। और सभी जगह यहाँ भी काम चल रहा है घरों में, साफ़ सफाई का, सफ़ेदी करने का, और वैसे भी रिपेयरिंग करते रहते हैं लोग, जैसे दिवाली का टाइम था तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। पेड़ देखो यहाँ पर कटिंग नहीं करी, इतने बड़े बड़े हो गए वाले, कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं करीब 20-25 दिन में आ रही हूँ यहाँ पर, तो उस दिन तो कटिंग करी हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे ये पेड़। आज कटिंग नहीं करी हुई है तो इतने बढ़ गए, इस साइड कटिंग करी हुई, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं अभी भी लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, सब बैठे हुए लेटे हुए अपना अपना कोई टाइम पास करने के लिए। उस दिन मैं यहाँ पर बैठी थी इस वाली बेंच पर, तो यहीं पर मैं आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर कोई लेटा है, तो फिर वो वापस चले गए। मैंने कहा चलो उधर से स्टार्ट करते अपने ब्लॉग को, और अच्छा लग रहा है, पेड़ों की शेड आ रही है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा है। देखो इस तरह धूप आ रही है, तो थोड़ा सा हरियाली उतनी अच्छी से नहीं आ पा रही है, पर बहुत हरा भरा पार्क है। और आज थोड़ा सा थकावट से भी हो रही है, कल मैंने बहुत सारा काम करा था घर का, साफ सफाई का और भी काम। दिवाली तक ऐसे ही रहेगा काम 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 बहुत ज़्यादा, और पीछे से लोग आ रहे, वो भी मुझे देख रहे होंगे क्या बना रही है, ब्लॉग बना रही करके। तो इन लोगों को मैं जाने दूँ या मैं आगे से फटाफट चलती हूँ, तभी बन पाएगा मेरा ब्लॉग। सभी जगह काम चल रहा है, देखो यहाँ भी आवाज़ आ रही है इतनी तेज़ तेज। हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं हो रखा ब्लॉग बनाने जैसा, इतना शोर हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो चलो मैं थोड़ा सा पार्क के अंदर जाती हूँ और यहाँ बैठ के करती हूँ आप लोगों से बात, पॉटी भी कर रखी है डॉगी ने इधर। तो और ये भी अच्छा नहीं है बेंच, कुत्ते बैठते होंगे ना यहाँ पर, बहुत गंदा कर रखा, मिट्टी मिट्टी यहाँ पर भी ऐसी हो रखी है। चलो कोई नहीं बैठ जाती हूँ, क्या करना, घिन सी आ रही है बैठने में। बैठ गई थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ा सा बैठती हूँ फिर जाती हूँ घर पे, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, कपड़े धो के डाल रखे सामने, वहाँ पे काम चला ना, पूरे कपड़े धुले हुए भी ख़राब हो जा रहे हैं, इससे आ जा रही है उन पर बिल्कुल पाउडर जैसा। सुंदर लग रहा पार्क में बैठ के, और बादल हो रहे हैं हल्के फुल्के, ज़्यादा बादल नहीं है, गर्मी भी हो रही है। बताओ अक्टूबर आज 6 तारीख हो गई है, अभी भी इतनी गर्मी हो रही है, और धूप हो रही है, तो उसकी वजह से मेरी आंखें बंद आ रही हैं। आपको दिखाती हूँ पार्क का इधर वाला लुक कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ना इस पार्क में इसलिए आई थी, बाहर पोस्टर लगे हुए हैं कि इस पार्क में दशहरे का समारोह हुआ था, तो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, अब पता नहीं, नाम तो इसी पार्क का लिखा है, अब क्या पता हो सकता है कोई और पार्क भी होगा अगल बगल, मैंने यही देखा हुआ है। तब मैं देखने आई, इधर तो कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को, ये देखो कितनी सुंदर घास लग रही है, हरी भरी एकदम, अच्छा हुआ है इधर पार्क ना हरा भरा है, पेड़ पौधे हरे भरे लग रहे हैं, और बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़ों के साथ, आसमान नीला है, कहीं पर बादल हैं हल्के पुल्के, और ये बारिश वाले बादल नहीं है, बस ऐसे ही आ रखे हैं। बताओ सही में इतनी गर्मी क्या करें भाई, गर्मी का तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और आज उन्होंने मेरे दांत में फिर से क्लीनिंग करी, अब मेरे को फिर से दर्द होने लग गया, तब से तो दर्द नहीं था,
उस पेड़ पर मैंने आपको उस दिन भी फूल दिखाए थे, जो सामने रेड कलर के फूल, पता नहीं उसमें दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, और अभी तक उस पर फूलों के ना पूरे गुच्छे गुच्छे लगे हुए और पत्तों से पेड़ जो है भरा हुआ पूरा। यहाँ पे काम चल रहा, उस दिन भी चल रहा था इस घर में काम, अभी तक पूरा नहीं हुआ। पता नहीं नया घर बन रहा है या तोड़ फोड़ करके रिपेयरिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो डेंटिस्ट ने मेरे को बुलाया था, जिस दिन फर्स्ट नवरात्र था उस दिन बुलाया था, तो मैं उसको बोल के गई थी कि मेरा व्रत होगा, मैं इस दिन नहीं आऊँगी, मैं सोचा मैं दूसरे दिन आऊँगी, लेकिन मेरा फिर क्या हुआ, नवरात्रि का प्लान बन गया तो पूरे नवरात्रि करे, उसके बाद कल दशहरा हो गया, तो कल मैंने सोचा छुट्टी होगी यहाँ पर, आज आई हूँ मैं इतने दिनों बाद। तो अब वो कह रहे कि दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है, आज फिर से उसने क्लीनिंग करी और फिर से मेरे को दर्द होने लग गया यहाँ पर अंदर यहाँ। अब मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा से स्वेलिंग ना हो जाए, क्योंकि मेरे तब भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, अभी मेरे को फिर से वही डर लग रहा है कि स्वेलिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी मेरे को बहुत ज़्यादा। इतने दिन से ना तो कोई दर्द था ना कुछ था, और खाना भी अच्छे से खा पा रही थी, अब लग रहा फिर से वो मेरे को आज कल फिर से बुलाया है। अब आज भी क्लीनिंग करी कल भी करेगी तो कल ऐसे तो दर्द हो ही जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ घर के लिए, और मेरे को थोड़ा सा कुछ सामान भी लाना है, दूध भी लेके जाना है। ये देखो यहाँ भी गिलहरी की आवाज़ कितनी तेज़ तेज़ शोर मचा रही है गिलहरी। मैं इधर से जाती हूँ, ये केले का पेड़ है, कितने बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं यहाँ पे, ये रहा केले का पेड़, बैठे हुए टाइम पास करने के लिए। इतना सुंदर यहाँ पे ना पार्क बड़ा भी है, और यहाँ केयर भी करते हैं इस पार्क की, बड़ा होने के नाते भी कर रहे होंगे। और यह है नींबू का पेड़, कुछ भी नहीं आ रखा इस पर नींबू भी, ये वाला ऐसे ही है, और पानी वानी अच्छे से दे रखा है पेड़ पौधों को ना, तो हरे हो रखे हैं बिल्कुल एकदम, बहुत ग्रीन। हाथ भी थक गया मेरा, मैंने सोचा वो वाले बेंच पर बैठूंगी, तो जैसे मैं आई थी वैसे एक लेडीज और आ गई थी, वो बैठ गई वहाँ पर, मैंने कहा चलो अब ये भी बोलेगी मैं पहले जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे से आ गई है, मैं उठ के दूसरी जगह चली गई उधर सूखे सूखे वाले जगह। यहाँ पर हरा हरा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर वाला बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी लगे हैं झूले टाइप हैं, छोटे छोटे खेलने के उनके। तो चलो अब मैं जाती हूँ घर पे, वो आ चुके हैं फिर से मेन रोड पर। आज मैं शॉर्टकट से नहीं जा रही हूँ, मेरे को इधर से ही जाना है। लाल बत्ती हो गई है, आज मैं इधर से जा रही हूँ सीधे, क्योंकि मेरे को इधर से कुछ कुछ लेना है। देखती हूँ सब्जी वाले के पास टमाटर अच्छे मिले तो टमाटर लेके जाना, क्योंकि टमाटर नहीं है ना घर पे। और ये देखो बादल, कहीं पर ज़्यादा बादल कहीं पर कम, और धूप से तो हद ही हो रखी। सब्जी की दुकान खुली तो है, देखिए अगर टमाटर अच्छे मिल गए तो टमाटर में कर नहीं सकते। सेब कैसे दे रही है? 100 का 1.5 किलो है, 100 रुपये 1.5 किलो। सारी वैसे हो रही है सेब पे, सेब रहता उसके अनुसार ना भैया, पूरा 2-3 देखे मैंने सब पे ऐसी। कैसे दे रहे हैं सेब?
60 रुपये सेब भरो 60 रुपये किलो सेब भरो 60 रुपये किलो 60 रुपये किलो 60 रुपये किलो करना है किलो लो बढ़िया वाले अमरूद लो बढ़िया वाले अमरूद कम न ज्यादा करो ले लो 60 रुपये ले लो 60 रुपये आज इनका दोनों पे लगा बढ़िया जी थे 60 रुपये मेरे कल का पड़ा है माल दोनों ले तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। घर पे पहुंचे हुए मेरे को 10 मिनट करीब हो गए हैं और घर पर आके पानी पिया, फिर अपने कपड़े उठाए जो धो के डाले थे क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, और वो कपड़े पर सब धूल धाल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कपड़े उठा दिए हैं। अब जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए, उसके बाद दिन का खाने का बनाना है कुछ। आज रोटी बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ। और अभी फिर से बादल हो गए, मतलब बादल धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो दूध लेके आती हूँ और वीडियो को भी मैं आज की यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगा दू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो रे।